हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम जॉन डन की एक इम्पॉर्टेंट पोयम कैनोनाइजेशन, डी कैनोनाइजेशन की क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। रही बात समरी की, तो समरी पे मैंने चेक किया, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्रिटिकल एनालिसिस प्रेजेंट किया जाए कैनोनाइजेशन का, जिसके थ्रू आपको आंसर राइटिंग में अच्छा मतलब मदद मिल जाए। सो लेट्स बिगिन कैनोनाइजेशन। द कैनोनाइजेशन जो पोयम है वो जॉन डन ने लिखा था 1590 में। इसको ओरिजिनली पब्लिश किया गया था 1633 में, फर्स्ट एडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये जो इनका वर्क था उसके फर्स्ट एडिशन में 1633 में इसको पब्लिश किया गया। अब कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का एक्ट होता है या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो ऑर्डिनरी रिलीजियस पर्सन होते हैं, जैसे हम और आप जो ऑर्डिनरी रिलीजियस पर्सन हैं या पूजा पाठ करते हैं, उनको सेंट के रूप में कन्वर्ट करना, ओके? या कैथोलिक, इन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन, तो कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन में जब कोई साधारण धार्मिक इंसान या रिलीजियस पर्सन जिसको कहते हैं, वो अगर सेंट होता है, चेंज होके वो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को, चेंजिंग प्रोसेस को कैनोनाइजेशन कहते हैं, ठीक? जैसे कोई इंसान जब सेंट बनता है तो उसको कैनोनाइजेशन कहते हैं। अब टाइटल कैनोनाइजेशन है और है ये लव पोयम, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल, द कैनोनाइजेशन, ठीक है? द टाइटल सजेस्ट दैट द पोएट एंड हिज बिलवड विल बिकम सेंट्स ऑफ लव, ठीक है? जैसे कि एक साधारण इंसान कन्वर्ट होके सेंट हो जाता है, उसी तरीके से जो लोग प्यार करते हैं या जिन जो एक दूसरे को पसंद करते हैं या जो एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, पोएट का ऐसा मानना है कि वो और उसके बिलवड जिससे वो प्यार कर रहा है वो सेंट ऑफ लव में कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ओके? ट्रू लव, सेंट्स ऑफ ट्रू लव इन द होल वर्ल्ड इन द फ्यूचर, ठीक है? तो फ्यूचर में आफ्टर हिज डेथ कह लीजिए या आफ्टर सम टाइम वो सेंट्स ऑफ ट्रू लव में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इसीलिए ये जो चेंजिंग प्रोसेस है उसी को यहाँ पे मेन थीम बना के पोएट ने लिखा है। अब अगर थोड़ी सी समरी की बात करें, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अगर समरी की बात करें, तो पोयम में जो स्पीकर है उसके बातों से ऐसा लगता है कि ही इज़ अ ओल्ड मैन हु जस्ट गॉट अ गुड लक ऑफ हैविंग अ यंग बिलवड, बट अनलकीली ही इज़ बीइंग डिस्टर्ब बाय अ मैन हु कम्स टू अ प्लेस वेयर ही इज़ मेकिंग लव, ओके? सो यहाँ पे पूरी मतलब अगर समरी की बात करें एक दो लाइन में, तो समरी ये है कि एक इंसान है और वो अपनी बिलवड से प्यार करता है, लेकिन लोगों को ये नागवारा गुजर रहा है, ठीक है? उसकी मोहब्बत से कुछ लोगों को दिक्कत है। वही आर्ग्यूमेंट ये यहाँ पे उन्हीं लोगों से कह रहा है जो पोएट है या जो स्पीकर है इसमें, कि मेरी मोहब्बत से या मैं जिसको, मैं अगर किसी को प्यार कर रहा हूँ या किसी को चाहता हूँ, तो इससे बाकियों को क्या प्रॉब्लम है? आप अपना काम करो, मुझे प्यार करने दो, ठीक है? मुझे अपनी बिलवड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दो और आप अपने काम से काम रखिए, मुझे मेरे प्यार के बीच में मत आइए। उसके बाद वो कंपेयर करते हैं कि मेरे को नहीं समझ में आता कि जिनको भी मेरे प्यार से दिक्कत हो रही है उनको क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरे प्यार करने से कोई मर्चेंट शिप डूब गई, या मेरा प्यार इतना ठंडा है कि वो मतलब स्प्रिंग सीजन मेरे प्यार करने की वजह से चले गए, या मेरा प्यार इतना गर्म है कि प्लेग फैल गया? इस तरीके से वो कंपेयर करते हैं और फिर वो अपने आप को कहते हैं कि हम जो हैं, जो लवर्स होते हैं, वो एक फीनिक्स की तरह होते हैं जो कि धीरे धीरे जो ख़त्म होते हैं और उनकी राख से एक नया लव स्टोरी, मतलब जो बिलवड्स या लवर होते हैं वो फिर जन्म लेते हैं। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते,
ठीक है। सो कुल मिला के पोएट का ये कहना है कि अगर दो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं या एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उससे जिन लोगों को समस्या है उनको क्यों समस्या है, जबकि सारा काम जो नेचर का है या लोगों का है वो एज इट इज़ चल रहा है। तो अगर कोई दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो अपनी दुनिया में मशगूल हैं और उनको आपको टच नहीं करना चाहिए, ऐसा पोएट का यहाँ पे वो मानना है, उनकी आइडियोलॉजी है। सो यहाँ स्पीकर क्लेम करता है दैट ही एंड हिज बिलावेड विल बी कैननाइज्ड व्हेन अ पोएट इमॉर्टलाइज देयर लव एंड लवर्स ऑफ द फ्यूचर। तो ये बोलते हैं कि कब आप कैनोनाइज्ड हो जाते हैं या कब आप सेंट के रूप में कब दो लवर्स सेंट हो जाते हैं, कैनोनाइज्ड हो जाते हैं, जब कोई पोएट उनकी चीज़ों को लिखता है और उनको अमर कर देता है। तो उनका कहना ये है कि जो लवर्स होते हैं या एक दूसरे से जो प्यार करते हैं उनको जब कोई पोएट उन पर पोएट्री लिखता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, सेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पढ़ेंगे, उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, वो एक तरीके का लोगों के लिए क्या कहा जाए, एक इंस्पिरेशन के रूप में उभर के आएंगे। सो यहाँ पे ये उनका मानना है। विल इन्वोक टू देम टू गिव देम अ स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिचुअल लव, और फिर उनका जो प्यार है जिससे जो आज आपको या मतलब दो लोगों को जिसके वजह से दिक्कत हो रही है, फिर कुछ समय बाद जब एक पोएट उस पर कुछ लिख देता है तो फिर वो एक स्पिरिचुअल लव स्टोरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रोमियो जूलियट ले लीजिए, दे आर द लवर, और आज भी हम रोमियो जूलियट का एग्जाम्पल लेते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं पोएट कि जब कोई राइटर अपने किसी के प्यार को लिख देता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और फिर वो स्ट्रेंथ हो जाते हैं लोगों के लिए और एक स्पिरिचुअल लव का सिंबल हो जाते हैं। दिस फिजिकल पैशन इज़ टू यूनाइट देम इंटू वन सोल एंड ट्रांसफॉर्म देम इंटू द सेंट ऑफ लव। और इसकी वजह से जब दो सोल आपस में यूनाइट होते हैं और उनका पैशन होता है कि वो एक साथ रहें, अपने जीवन को एक साथ बिताएं, तो धीरे धीरे जो उनकी सोल होती है आफ्टर अ टाइम बीइंग वो सोल ट्रांसफॉर्म हो जाती है सेंट ऑफ लव में। अब यहाँ पे क्या मतलब है, ये क्यों ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं? उनका कहने का ये मतलब है कि लोग हेट्रिट को बहुत आसानी से फैला लेते हैं, नफ़रत बहुत आसानी से फैल जाती है, मोहब्बत को फैलने में टाइम लगता है। और जो भी हार्ट जो लव करता है, जब अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो चीज़ वो मौका दिया है कि आप किसी को पसंद कर सको। सो यहाँ पे आप ऑलरेडी एक पेडिस्टल ऊपर हो लोगों से, क्योंकि आपने वाकई किसी को पसंद किया है, किसी को आप चाहते हैं, और ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है जो कि सबको नहीं मिलती है, ये यहाँ पे पोएट का कहना है। द पोएम टेक्स अ फॉर्म ऑफ ड्रामा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये ड्रामेटिक हो जाता है। वेयर स्पीकर इज स्पीकिंग बैक by angry argument against the third person who seems to have told him not to indulge in such love affair in a old age. अब यहाँ पे कुछ जब लोग criticize करते हैं poet को या जो speaker है उसको कि तुम इस उम्र में प्यार कर रहे हो और ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा dramatic हो जाता है situation जब poet already उनको जवाब देते हैं ये कहते हुए कि किसका मैं नुकसान कर रहा हूँ, मेरे प्यार करने से किसको नुकसान हो रहा है, आप मुझे पहले ये बता दो। ओके, कैसा क्या तूफान आ गया, बाढ़ आ गई दुनिया में, किसी का मर्चेंट शिप डूब गया, किसी को प्लेग फैल गया, क्या हो गया, क्यों आप लोग अपना सारा काम धाम छोड़ के मेरे और मेरे लव के पीछे पड़े हुए हो। सो यहाँ पे जो आर्गुमेंट हो जाता है, जो पोएम अगर आप पढ़े होगे तो वो थोड़ा सा बहुत ही ड्रामेटिक हो जाता है। वो अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को जो उनके अगेंस्ट हैं। द स्पीकर आर्ग्यूज विद द इंट्रूडिंग स्ट्रेंजर सो एज टू जस्टिफाई हिज मेटाफिजिकल लॉजिक ऑफ लव, ठीक, वो मेटाफिजिकल लॉजिक यूज़ करते हैं अपने लव को समझाने के लिए उन सभी लोगों को जो उनसे या उनके प्यार करने से जिनको दिक्कत है।
वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा जो बहुत कम लोगों के पास ये नसीब आता है, और जो भी लवर्स होते हैं वो अपने आप में एक फीनिक्स की तरह होते हैं, कैंडल की तरह होते हैं, ठीक है, जो खुद को जला के, मतलब खुद को वो मिटा के जलते हैं. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट इमेजरीज जो कि पोएट ने यूज़ की है. ओके, सो द स्पीकर इक्वेट्स वर्ल्डली ह्यूमन लव विद द एस्थेटिक लाइफ ऑफ द अनवर्ल्डली सेंट. ठीक है, अब यहाँ पे सेंट के साथ लवर्स को कंपेयर करना, जो उनका वर्ल्डली लाइफ है लवर्स का, दो प्रेमियों का जो वर्ल्डली, जो सांसारिक जीवन है उनका, उनको वो एस्थेटिक लाइफ से कंपेयर करते हैं सेंट के. एंड द होल पोयम कैन बी सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल अनयूजुअल कंपेरिजन ऑफ कैननाइजेशन ऑफ अ लवर. और फिर पूरा पूरा जो पोयम है वो लास्ट में वही कैननाइजेशन ऑफ लवर के ऊपर आके रुकता है. So this is the a short summary of the poem. अब अगर analysis की बात करें इस poetry की या इस poem की, तो ये form अब देखते हैं इसका form क्या है. 5 stanza का है canonization poem, और जो meter है वो iambic है, lines जो है उसमें, जो कि trimeter to pentameter में run करती है. 9 line का 1 stanza है इसमें. First, थर्ड, फोर्थ और सेवेंथ लाइन जो है वो पेंटामीटर में है. सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ लाइन जो है वो टेट्रामीटर में है. और जो नाइन्थ लाइन है, लास्ट लाइन जो है स्टेंजा की, पर स्टेंजा, 5 stanza की पोयम है. सो हर स्टेंजा में 9 लाइन है, जिसमें से पहली, तीसरी, चौथी और सातवीं लाइन जो है वो पेंटामीटर में लिखा हुआ है. सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ जो लाइन है वो टेट्रामीटर में लिखा हुआ है, और जो नाइन्थ लाइन है वो ट्राईमीटर में लिखा हुआ है. अब अगर राइम स्कीम देखें इस पोयम की, तो वो है ए बी बी ए सी 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 डी डी. अब कुछ मेटाफिजिकल नेचर जो है उस पर्टिकुलर एरा का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एज हम जानते हैं कि डन इज़ द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. सो उनके पोयम में मेटाफिजिकल पोइट्री की कुछ क्वालिटीज़ होंगी, सो उसको देख लेते हैं. अब यहाँ पे पहला इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो है, द आर्ग्यूमेंट इन द पोयम इज़ फोर्सफुल, सजेस्टिव एंड वेरी विटी. उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ और विटी लॉजिक के साथ ये क्लियर करने की कोशिश की है कि जो प्यार करते हैं उनको आप डिस्टर्ब मत करो, और क्या रीज़न है उसके पीछे, वो सारी चीज़ें यहाँ ये बहुत अच्छे से उन्होंने लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश की है. द स्पीकर यूजेस कोलोक्विल वर्ड रफ इडियम्स एंड ब्रोकन रिदम्स, ऑल ऑफ विच कैरेक्टराइज मेटाफिजिकल पोयम. ठीक है, उन्होंने कोलोक्विल वर्ड का यूज़ किया है, कुछ रफ इडियम्स का यूज़ किया है, और ब्रोकन रिदम का यूज़ किया है. सो ये सारी चीज़ें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेटाफिजिकल पोयम्स की. और एग्जाम्पल के लिए जो सबसे पहली लाइन है, फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, अपनी जुबान संभालिए और मुझे प्यार करने दीजिए. ये पहली लाइन है द पोयम कैननाइजेशन की, और ये इटसेल्फ जो है वो ये जो हम अभी बात कर रहे थे कोलोक्वियल वर्ड और रफ इडियम्स, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट, एक अच्छा एग्जाम्पल है. दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर अगर हम देखें इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री की, तो वो है कि यूज़ ऑफ सरप्राइजिंग वर्ड्स इन अनदर फीचर ऑफ अ पोयम. द स्पीकर यूजेस वर्ड्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मेडिसिन एंड मिथ, सो एज टू एलैबोरेट हिज कंसेप्ट ऑफ द मेटाफिजिकल लव. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी मेटाफिजिकल पोयम में, उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती थी, वो ये कि जो दो कंपैरिजन होते थे वो बहुत ही अनयूजुअल से कंपैरिजन होते थे, जिसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है. वो कैसे एक कंपैरिजन, वो रिलेशनशिप कैसे बिठाया गया है, ये इट्सेल्फ अ सरप्राइजिंग. सो इस तरीके के सरप्राइजिंग वर्ड्स का इन्होंने इसमें यूज़ किया है. फॉर एग्जांपल, प्लेसी एंड गॉट, ये जो है वर्ड मेडिसिन से लिया है. मर्चेंट एंड शिप का जो वर्ड है ये ट्रेड एंड कॉमर्स के कैटेगरी से लिया गया है. फीनिक्स वर्ड जो है वो मिथ है एक तरीके का. फीनिक्स एक तरीके की बर्ड होती हैं जो कि जब मरती हैं तो वो एशेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसी एश से, मतलब उनकी राख से, फिर एक छोटा सा फीनिक्स पैदा होता है. तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, वो कभी मरते नहीं हैं. सो यस, फीनिक्स जो है वो मिथ से है. हाइम अगर बात करें तो ये एक रिलीजन
का वर्ड है एंड क्रॉनिकल्स की बात करें तो हिस्ट्री के वर्ड हैं. अब कैनोनाइजेशन लिंक टुगेदर द डिसहारमोनियस इमेजेस, ठीक है, बहुत ही डिसहारमोनियस इमेजेस को एक साथ लिंक किया गया है कैनोनाइजेशन में. एग्जाम्पल, एज अ स्पीकर फेसेस द इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब जो लोग अगेंस्ट हैं लव के, एंड आर्ग्यूज विद हिम, ही लिंक्स, इन्होंने लिंक किया है आर्ग्यू देते हुए लव साइंस से मर्चेंट शिप की, वही मेरा प्यार कौन सी किसकी जहाज को डुबा दिया है, किस मर्चेंट की जहाज मेरे प्यार करने से डूब रही है, इतना ठंडा है क्या मेरा प्यार, मतलब मेरे प्यार में इतनी ठंडक है कि पूरी स्प्रिंग खत्म हो गई. सो ये यहाँ पे उनका कंसेप्ट था. या मेरे प्यार में इतनी गर्मी है कि पूरा प्लेग फैल गया या प्लेग से लोग मरने लगे हैं, या मेरा जो लव सॉन्ग है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कंपेयर किया है. फिर लास्ट में उन्होंने लव सॉन्ग को डिवाइन हाइम से कंपेयर किया है कि ये एक हाइम की तरह होती है, एक मंत्र की तरह होता है प्यार. जो लव सॉन्ग्स होते हैं वो मतलब गॉड की नेमत है, मतलब ईश्वर की नेमत है. तो ये यहाँ पे चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं. और फिर वो बोलते हैं जो ट्रू लवर्स होते हैं, जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं, उनको उन्होंने कैनोनाइज्ड सेंट से कंपेयर किया है कि वो उस तरीके के सेंट होते हैं जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही नामी जो सेंट होते हैं उनसे उन्होंने कंपेयर किया है. अब इन्होंने फ्यूजन दिया है, फ्यूजन ऑफ इमोशन एंड इंटेलेक्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पोयम. उन्होंने फ्यूजन किया है इमोशन का इंटेलेक्ट के साथ, और ये फ्यूजन हमें देखने को मिलता है जब वो लवर्स को कंपेयर करते हैं मिस्टीरियस फीनिक्स के साथ और डिवाइन सेंट्स के साथ. ठीक है, वो फीनिक्स को कंपेयर करते हैं लवर्स से कि लवर्स जो होते हैं वो फीनिक्स की तरह होते हैं, आप उनको कभी खत्म नहीं कर सकते. ठीक है, वो हमेशा से वैसे रहे हैं, एक मरेगा तो उसकी राख से दूसरा जन्म लेगा, तो आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस. और वो एक सेंट की तरह होते हैं जो लवर्स होते हैं, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द की सभी चीज़ों को भुला के, मतलब आप एक स्टेप आगे बढ़ के उस जो बहुत पायस फीलिंग है आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो. सो ये चीज़ वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं. द पोएम यूजेज अ इलाबोरेटेड कंसीट, कंसीट को मैंने आपको समझाया था वो एक्सटेंडेड मेटाफर होता है कंसीट का मतलब. सो ही इक्वेट्स लवर विद फ्लाइज, कीड़े से उन्होंने कंपेयर किया लवर्स को. टेपर मतलब कैंडल से कंपेयर किया है, ईगल से कंपेयर किया है, डव से कंपेयर किया है, फीनिक्स से, सेंट से. और अगर वाकई में देखा जाए तो ये कोई भी आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब आप लॉजिक नहीं लगा सकते कि क्यों कंपेयर किया ईगल से, फीनिक्स से, लेकिन वो उन्होंने उस चीज़ को इलेबोरेट कंसीट के माध्यम से लवर्स को कंपेयर किया है. सो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो कैनोनाइजेशन पोयम है वो एक टिपिकल मेटाफिजिकल पोयम है जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड विद द सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन. उन्होंने बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यहाँ पे इलेबोरेट करने की कोशिश की है. लवर्स एंड हेटर्स, जो दो प्यार करने वाले और उनसे नफरत करने वाले, उन दोनों की मोहब्बत से बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो उनको वो कंपेयर किया है उन्होंने. और बहुत ही सिंपल तरीके से इस पूरे पोयम को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है. सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट कैनोनाइजेशन. अगर आपको समरी चाहिए या लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पोएम का, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. अदरवाइज़ बहुत सारे वीडियोज़ कैनोनाइजेशन पे हैं जो कि लाइन बाई लाइन बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है लोगों ने. सो मुझे लगा कि क्रिटिकल एनालिसिस पे वीडियोज़ कम हैं, सो इस वजह से मैंने ये टॉपिक पकड़ा. क्रिटिकल एनालिसिस कह लीजिए या कैनोनाइजेशन एज अ मेटाफिजिकल पोएट्री भी अगर आए तो आप इस तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं. सो अगर आपको कुछ और भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. और जितने लोगों ने जो जो चीज़ें डिमांड की हैं कि आप उस पर वीडियो बनाओ, तो हैव पेशेंस लिटिल बिट, मैं उस पर काम कर रही हूँ और जैसे ही वो कंप्लीट होगा आपको वो सारी जो वीडियोज़ हैं वो जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूँगी. सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड स्माइल लॉट्स. उसकी कॉस्ट नहीं है यार, वो बहुत ही यूनिक चीज़ होती है, तो इसलिए हंसते रहिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.